तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स यहाँ पे लिखा है, मतलब फ्लावर जिसमें बनते हैं, और फ्लावर जिसमें बनते हैं उसमें सीड तो बनेगा ही। तो ये होता है, इसमें हम लोग मेनली पढ़ेंगे स्पर्मेटो फाइट्स के बारे में। स्पर्मेटो फाइट, स्पर्मेटो यहाँ पे मतलब है सीड, जिसमें सीड हो। फाइट का मतलब प्लांट। नाउ स्पर्मेटो फाइट दो तरह के होते हैं, या तो वो जिम्नोस्पर्म हो सकते हैं या फिर एंजियोस्पर्म हो सकते हैं। जिम्नोस्पर्म हो तो फ्रूट एब्सेंट होगा, अगर जो एंजियोस्पर्म हो तो फ्रूट प्रेजेंट होगा। देखो जिम्नोस, द नेम इटसेल्फ टेल्स व्हाट काइंड ऑफ वेदर द फ्रूट विल बी प्रेजेंट और एब्सेंट। सो जिम्नो, जिम्नो मीन्स नेकेड, और स्पर्म मीन्स सीड। कहीं भी स्पर्म आए तो हम सीड समझेंगे। एनजियो, एनजियो मीन्स हिडन और कवर्ड, हिडन और कवर्ड। स्पर्म मतलब सीड, ठीक है। तो किससे कवर्ड रहता है? वो फ्रूट से, जैसे ये फ्रूट है, ये सीड्स हैं, ये फ्रूट से कवर है, तो ये एंजियोस्पर्म बोलेंगे। नाउ टिपिकल एग्जांपल, यही एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स कहलाते हैं। अब देखेंगे हम लोग एग्जांपल, एंजियोस्पर्म के एग्जांपल में आएगा आपका कैप्सेला। ये टिपिकल एग्जांपल होगा, मतलब सबसे कॉमन एंजियोस्पर्म का। कैप्सेला का दूसरा नाम होता है सेफर्ड्स, सेफर्ड पर्स नाम होता है। अब देखेंगे किस टाइप के स्पोर्ट्स बनते हैं इनमें। तो किसमें? कैप्सेला में, मतलब टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में हम लोग देखेंगे। टिपिकल एंजियोस्पर्म्स में द कॉमन, मोस्ट कॉमन एंजियोस्पर्म में किस तरह के स्पोर्ट्स मिलते हैं? वो होते हैं हेट्रोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस मीन्स मेल और फीमेल दोनों टाइप के स्पोर बनते हैं। जो फीमेल फ्लावर स्पोर होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर, मेल स्पोर होता है उसे हम लोग कहते हैं, सॉरी, फीमेल स्पोर को अपन मेगा स्पोर कहते हैं और मेल स्पोर को अपन माइक्रोस्पोर कहते हैं। इनकी मेन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट होती है, मतलब कि 2N होता है। मेन प्लांट बॉडी में क्या क्या आता है? रूट, स्टेम, लीफ, दीज आर द मेन प्लांट बॉडी। ऑल द वस्कुलर प्लांट्स आर स्पोरोफाइट। वस्कुलर प्लांट जितने भी हैं सारे के सारे स्पोरोफाइट होंगे, जैसे कि टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ऑल जितने वस्कुलर प्लांट हैं सब स्पर्मेटोफाइट होंगे। तो ये आपके लिए एक प्लांट डाइवर्सिटी का पॉइंट बन जाता है। अब एक बुक के बारे में इस चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे, जिन्हें कहते हैं एन इंट्रोडक्शन, टू द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्पर्म, एन एम्ब्रियोलॉजी ऑफ स्पर्म। इसे हम लोग मानते हैं मैग्नस, ओ मैग्नम, सॉरी, मैग्नम ओपस ऑफ पी महेश्वरी। मैग्नम ओपस मीन्स वो होता है द हाईएस्ट नोन वर्क ऑफ ए साइंटिस्ट, जो उसकी सबसे अच्छी डिस्कवरी रहती है उसे अपन मैग्नम ओपस कहते हैं। अब फ्लावर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फ्लावर, फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स में बनते हैं, आपने देख लिया है। तो फ्लावर, फ्लावर होता है मॉडिफाइड शूट, मॉडिफाइड शूट होता है उसे अपन फ्लावर कहते हैं। अब शूट और स्टेम में काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि शूट क्या होता है, स्टेम क्या होता है। देखो ये स्टेम है और इस पे ये लीफ है। अगर जो स्टेम प्लस लीफ बोथ को कंसीडर करें तो इसे हम लोग बोलेंगे शूट। अगर जो स्टेम को बस कंसीडर करें, लीफ को नहीं दें, तो ये कहलाएगा स्टेम, ठीक है ना। लीफ प्लस स्टेम शूट। अब आगे देखते हैं, फ्लावर्स में आपने थैलेमस पढ़ा होगा। थैलेमस होता है मॉडिफाइड स्टेम। यहां देखिए स्टेम टर्म आ रही है, स्टेम, ठीक है।
जाइनेशियम, फिर से आप जाइनेशियम, एंड्रोशियम, कोरोला, कैलेक्स, ये सारे मॉडिफिकेशन होते हैं लीफ के। ओके अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। ये थैलेमस हो गया, ये आपका ओव्यूल हो गया, ये स्टाइल हो गया, ये फिलामेंट हो गया, ये एंथर हो गया। तो नेमिंग आप खुद करेंगे, मैं डायग्राम बस बनाता हूँ। ये देखिए, ये पेटल्स हो गए, ये कैलिक्स हो गया, ठीक है। कैलिक्स को अपन मॉर्फो में के से दिखाते हैं, कोरोला को सी से दिखाते हैं, एंड्रोइशियम को ए से दिखाते हैं और गाइनोशियम को सी से दिखाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने पहले देखा कौन किसका किसका मॉडिफिकेशन है। तो ये गोथे ने बताया था कि ये किसका किसका मॉडिफिकेशन है, ये लीव्स हैं, ये लीव से मॉडिफाई होके बने हैं और ये थैलेमस स्टेम से मॉडिफाई होके बना है। अब इसमें आती है कि गोथे जो साइंटिस्ट थे, गोथे जिन्होंने प्रूव करा कि फ्लावर इज ए मॉडिफिकेशन ऑफ सूट। नाउ कई ऐसे साइंटिस्ट थे जो इन पे सवाल उठाए कि कैसे हम मान लें। उन्होंने गोथे का स्टेटमेंट ये था कि फ्लावर द कैलिक्स कोरोला एंड्रोशियम जाइनोशियम आर द मॉडिफाइड शूट एंड अराइज फ्रॉम द नोड विच आर वेरी रिड्यूस्ड, बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में होते हैं वो जो कि दिखाई नेकेड आई से दिखाई नहीं देते हैं। अब बाकी साइंटिस्ट बोले जब नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं तो आपको कैसे दिखाई दिए। फिर उनको गलत साबित करने, मतलब गोथे ने अपने स्टेटमेंट को सही प्रूव करने के लिए आगे कई फ्लावर्स का एग्जाम्पल दिया, जैसे कि साइलिन, साइलिन प्लांट लिया उन्होंने। साइलिन प्लांट में उन्होंने देखा, साइलिन प्लांट पहले एग्जाम्पल्स हम लोग बोल देते हैं क्या क्या है। पहला साइलिन प्लांट है, फिर पैसी फ्लोरा है, फिर आपका कैपेरिस है, ये एग्जाम्पल। अब इसमें साइलिन प्लांट में उन्होंने दिखाया कि फर्स्ट नोड में जो नोड था इलोंगेट, इसमें रिड्यूस रहता है। नॉर्मली टिपिकल एंजियोस्पर्म में नोड्स आर वेरी रिड्यूस, इंटर नोड्स आर वेरी रिड्यूस, सो नोड्स आर नॉट विजिबल टू अस। बट इन सम प्लांट द इंटर नोड बिकम इलोंगेटेड एंड दे आर विजिबल टू आर नेकेड आईज। ना साइलिन प्लांट में देखा कि साइलिन प्लांट, अभी हम दिखाते हैं कैसे उनको इंटर नोड विजिबल हुआ। तो ये साइलिन प्लांट है, साइलिन प्लांट में जो फर्स्ट नोड थी, मतलब कि नोड बिटवीन द थैलेमस एंड द कोरोला, सॉरी कैलिक्स एंड द कोरोला, दोनों लीफ थे। दोनों लीफ कहाँ से अराइज होते हैं, नोड से। मतलब ये है, यहाँ ये नोड है, ठीक है, ये भी नोड है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, इंटर नोड है, इंटर नोड है और लीव्स नोड से अराइज होते हैं। तो ये कोरोला है, ये कैलिक्स है, दोनों लीफ है, इसके बीच में नोड कहीं ना कहीं होगा जो गोथे ने बोला था कि बहुत रिड्यूस्ड होता है। तो उसी नोड यहाँ इलोंगेट, वही इंटर नोड यहाँ इलोंगेट हो गया है और विजिबल हो गया है, जिससे कि वो अपने स्टेटमेंट को सही प्रूव कर पाए। तो हम लोग देखते हैं कैसे इलोंगेट हो गया है। ये हो गया कैलिक्स, कैलिक्स ये हो गया कोरोला, ठीक है। ये हो गया ओव्यूल, थोड़ा सा छोटा बना है फिर भी आप काम चला लीजिएगा। ये देखिए, ये विजिबल हो गया इंटर नोड, इसका नाम ऐसे, अगर जो इंटर नोड जो इलोंगेट हुआ है, अगर जो बिलो कोरोला हो तो उसे अपन बोलते हैं एंथोफोर, एंथो, एंथोफोर। एंथो यहाँ पे टर्म मतलब कोरोला पेटल्स के लिए अप्लाई होता है, तो आपको लर्न करने में इजी होगी। दोबारा उन्होंने देखा कि वो इंटरनोड इलोंगेट हुआ जो कि एंथर के नीचे था, तो मतलब यहाँ कैलेरिक्स आ गया, यहाँ कोरोला आ गया।
अब इंटरनोड इलोंगेट हुआ जो कि कहाँ था, एट द बेस ऑफ एंथर। एंथर के लिए हम लोग क्या टर्म यूज करते हैं जनरली, एंथ्रीडियम, तो इसे हम लोग बोल देंगे एंड्रोफोर। एंड्रो एंड्रोजन आपने पढ़ा होगा, एंड्रोफोर पढ़ा होगा, ये टर्म्स होती हैं जो एंड्रिशियम के लिए अप्लाई होती हैं। तो ये देखिए कहाँ ये एलोंगेट हुआ है, एट द सेकेंड इंटरनोड, ठीक है। फिर से कैपरिस में उन्होंने देखा कि बिलो ओव्यूल जो था, अब ये देखिए ये कैलिक्स है, ये कोरोला है, ये कोरोला है, और ये आपका एंड्रोशियम है। अब बिलो जो ओव्यूल था वो नोड इलोंगेट हो गया, तो यहाँ पे हम लोग बिलो जाइनोशियम है, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, गाइनोफोर, इसे अपन गाइनोफोर बोलेंगे, ठीक है। कैपरिस में देखा, लेकिन कई जगह कई उन्होंने ऐसे भी प्लांट ऑब्जर्व किए जहां पे जो एंथर के बीच में है वो भी नोड इलोंगेट हुआ, साथ में ये भी नोड, मतलब कि गाइनोफोर भी एलोंगेटेड है सेम प्लांट में, सेम प्लांट में गाइनो प्लस एंड्रो दोनों देखने को मिल रहा है, तो ऐसे प्लांट को अपन बोलते हैं गाइनेंड्रोफोर। गाइनेंड्रोफोर का एग्जांपल होगा गाइनेंड्रोपस, नाम से मालूम चल रहा है गाइनेंड्रो, और इसी को अपन बोलते हैं क्लियोम गाइनेंड्रा। और भी कुछ ऐसे प्लांट है जहां पे ऐसे मॉडिफिकेशन देखने को मिले, जैसे कि ये देखिए कैलिक्स है, म्यूसेंडा प्लांट में ये जो कैलिक्स होता है मतलब सेपल, वो क्योंकि फ्लावर बहुत रिड्यूस्ड होता है तो पॉलिनेशन इतने अच्छे से नहीं हो पाता, इंसेक्ट अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं, तो उसके लिए इसके जो कैलिक्स, हम लोग पहले से ही जानते हैं कैलिक्स किसका मॉडिफिकेशन होता है, लीफ का, तो ये एनलार्ज होता है, एनलार्ज होके लीफ बना देता है और ये अट्रैक्ट करने के लिए इंसेक्ट को होता है, इसे अपन कहते हैं एडवर्टाइजिंग फ्लैग, जो कि क्या होता है सेपल होता है, एनलार्ज बस हो जाता है, किस में देखने को मिलता है म्यूसेंडा में, इसे ध्यान रखें नीट में आया हुआ है। अब देखो अपन बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में, अब अपन फ्रूट्स को देखेंगे, फ्रूट्स मोनोकार्पिक फ्रूट, देखो मोनोकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो साल में एक बार ही फ्लावर करते हैं, फिर से पॉलीकार्पिक फ्रूट वो होते हैं जो साल में एक से ज्यादा बारी फ्लावर करते हैं। देखो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक में, मोनोकार्पिक मतलब एक बार फ्लावर करने के बाद वो मर जाते हैं, इनमें आपका आ जाएगा एनुअल प्लांट एंड बाइनियल प्लांट, वो एक बार फ्लावर करने के बाद से डेथ हो जाते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है मोनोकार्पिक में, जैसे बैम्बू होता है, बैम्बू देखते हैं अपन 50 से 100 साल में एक बार फ्लावर करता है, हाँ, और आपका नील कुरंजी हो गया एनसीईआरटी का आपका एग्जांपल, नील कुरंजी 12 साल में एक बार ये फ्लावर करता है, इससे पहले इसने अक्टूबर 2006 में फ्लावर किया था 12 साल बाद, मतलब अब ये फ्लावर करेगा 2018 मतलब दिस ईयर, ठीक है। अब पॉलीकार्पिक प्लांट में पेरिनियल प्लांट आते हैं जो कई बार फ्लावर करते हैं, बहुत बार फ्लावर करते हैं, ओके, तो पेरिनियल मोनोकार्पिक प्लांट जो एक बार है आप अपने सराउंडिंग में देख पाते हैं, जैसे कि वीट प्लांट है, राइस प्लांट है, एक साल में एक ही बार होते हैं, फिर से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, दोबारा अपन को प्लांट करना पड़ता है। लेकिन पॉलीकार्पिक प्लांट का एग्जांपल अपन देखें तो मैंगो है, देखते हैं साल भर वो पेड़ उसका लगा रहता, गिरता तो है नहीं, मैंगो है, नीम है, मैंगो नीम यूकेलिप्टस एक्सेट्रा, ठीक है। अब जहां भी अपन कार्प वर्ड आए वहां हम लोग मान लेंगे फ्रूट, कई जनों को कंफ्यूजन होता है पार्थेनोजेनेसिस पार्थेनोकार्पी, इस वर्ड से पढ़ने के बाद आपको उस समय कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। फिर से अपन पढ़ते हैं एंथर के बारे में, अब हम लोग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स देखते हैं प्लांट के, देखो रिप्रोडक्टिव स्ट्रेंथ पहले मेल रिप्रोडक्टिव, ये एंथर है, नीट में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि
ये एंथर है, इसका प्रोक्सिमल पार्ट कौन सा है, ये जो थैलेमस से अटैच होता है ये होता है प्रोक्सिमल पार्ट और ये होता है डिस्टल पार्ट, ठीक है ध्यान दें। और यहाँ पे कनेक्टिव होता है दो लोब्स के बीच में, ठीक है ये फिलामेंट है। ये पूछा गया था कि प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द एंथर इज अटैच टू विच पार्ट, तो जनरली इट इज अटैच टू थैलेमस, तो थैलेमस होगा आंसर, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट में जैसे सोलेनेसी फैमिली में ये एपिपेटलस होता है, एपिपेटलस बोले तो एंथर किससे अटैच होता है, पेटल से अटैच होता है, ठीक है ये पेटल है ये एंथर है इससे अटैच होता है, इसको एपिपेटलस कहते हैं। उसको किस तरह रिप्रेजेंट करें, कोरोला को अपन सी से दिखाते थे, ए से एंड्रोसियम, इस तरह ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, मॉर्फो में आपके काम आएगा। अब अपन पढ़ते हैं फर्दर और भी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एंथर को, ठीक है। अब ये देखिए एंथर जो है, जब इसको अपन टीएस इसका लें, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करें, तो इसके ट्रांसवर्स सेक्शन में अपन को ऐसा कुछ देखने को मिलता है। ये बीच में ये कनेक्टिव है, ये होता है आपका माइक्रोस्पोरेंजिया और पोलन सेक, पोलन सेक माइक्रोस्पोरेंजिया, ये चार होते हैं इसलिए अपन बोलते हैं इसको टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक है ये चार होते हैं इसलिए अपन इसको टेट्रास्पोरेंजिएट कहते हैं। ये होते हैं माइक्रोस्पोर होते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, पोलन सेक ध्यान दे इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर फर्दर मैच्योर होके पोलन ग्रेन बनाते हैं, ठीक है पोलन ग्रेन की प्लॉइडी एन होती है याद रखते हैं। अंतर ये टेट्रागोनल होता है, मतलब फोर साइडेड टेट्रागोनल, टिपिकल एंथर, मतलब अब आपसे पूछा जाए टिपिकल एंथर कैसा होता है, ध्यान दे पोलन सैक है, इसको अपन सैक के लिए जनरली टर्म अप्लाई करते हैं थीका, तो इमेच्योर स्टेट में इसको थीका कहते हैं, मेच्योर स्टेट में पोलन शेक कहते हैं। तो हर एक लोब में दो थीका होते हैं इसलिए डाइथीकस होते हैं, डाइथीकस। तो एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में बोला जाए तो टेट्रास्पोरेंजिएट डाइथीकस, टिपिकल एंजियोस्पर्म बोले तो कैप्सेला, ठीक है। अब मालवेसी फैमिली होती है, मालवेसी फैमिली में अपन को देखने को मिलता है कि जिसका एंथर होता है बीन शेप्ड होता है, बीन मतलब रेनी, रेनी का मतलब किडनी, किडनी फॉर्म होता है, ये तीनों नाम ध्यान दें, किडनी फॉर्म होता है, इसमें ऐसे एंथर होता है, यहाँ एक पोलन सेक, यहाँ एक पोलन सेक, यहाँ कनेक्टिव, तो यहाँ पे अपन को देखने के लिए मिलता है ये एक लोब है, ये एक लोब है कितना थीका मोनो, तो इसको अपन मोनोथीकस बोलेंगे। कितने स्पोरेंजियम देखने के लिए, स्पोरेंजिया देखने के लिए मिलेंगे दो, मतलब डाई स्पोरेंजिएट। फर्दर हिस्टोलॉजी में अपन जाने की कोशिश करेंगे। अब ये देखिए जो एंथर होता है, यहाँ पे चार लेयर्स पाई जाती हैं, चारों लेयर्स, पहले लेयर का नाम होता है एपिडर्मिस, प्रोटेक्टिव लेयर आपने जाना ही होगा, एंडोथीशियम दूसरे लेयर का नाम होता है, ध्यान दे एंडोडर्मिस नहीं है एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम फर्दर मिडिल लेयर होता है, फिर से इसके अंदर और जाएंगे टेप्टम होता है। देखो मिडिल लेयर, फर्स्ट थ्री लेयर अकॉर्डिंग टू सीआरटी इज फॉर द प्रोटेक्शन, पहले जो तीन लेयर है वो प्रोटेक्शन के लिए काम करती हैं, और जो मिडिल लेयर और टेप्टम ये फूड प्रोवाइड करने का काम करती हैं, फूड प्रोवाइड करती हैं किसको, माइक्रोस्पोर्स को जो अंदर डेवलप होते हैं। यहाँ आपको कनेक्टिव देखने के लिए मिलेगा, फिर से ये जो पार्ट होता है ये जो पार्ट, इसे अपन कहते हैं स्टोमियम, इट इज द साइट फ्रॉम वेयर द एंथर डेहिस, डेहिस मतलब कि वो टूटता है और इसके अंदर का जो माइक्रोस्पोर होता है वो बाहर निकल आता है,
तो ये जो मिडिल लेयर और टेपटम होते हैं ये फूड प्रोवाइड करते हैं माइक्रोस्पोर को। सबसे पहले तो मिडिल लेयर फूड बनाता है, फूड इसमें स्टोर रहता है, तो वो टेपटम के थ्रू माइक्रोस्पोर में जाता है। लेकिन धीरे धीरे मिडिल लेयर का फूड खत्म हो जाता है तो ये डिजेनरेट हो जाता है, फिर से टेपटम फूड देना चालू करता है। टेपटम का भी फूड खत्म हो जाता है और तब तक डेइस हो चुका होता है एंथर, तो ये भी डिजेनरेट हो जाता है। तो मैच्योर एंथर में अपन पूछे तो दो लेयर्स रहती हैं, एपिडर्मिस एंडोथीशियम, ये दोनों लेयर डिजेनरेट हो जाती हैं। एंडोथीशियम अब यहाँ पे बोले तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंडोथीशियम एंडोथीशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेहिसेंस ऑफ एंथर। एंथर के डेहिसेंस में मेन रोल किसका होता है? एंडोथीशियम का। ऑप्शन में आया, फर्स्ट प्रायोरिटी उसे देनी है। फिर से अपन टेप्टम के बारे में पढ़ेंगे। टेप्टम 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 होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है। अब अपन पूछे कैसे होता है, मान लो ये एक सेल है, इसमें एक ये न्यूक्लियस है, इसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, न्यूक्लियर डिवीजन होने से दो बन गया, फिर से फर्दर न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक दो तीन चार ये बन गया पॉली या मल्टी न्यूक्लिएटेड, यहाँ कंडीशन अपन को देखने के लिए मिल जाती है। और इसमें टू एन्प्लॉयडी है, एंडोमाइटोसिस होता है, एंडोमाइटोसिस, तो एंडोमाइटोसिस से 4N हो जाता है, तो अपन को यहाँ पे पॉलीप्लॉइड कंडीशन भी देखने के लिए मिलती है। पॉलीप्लॉइड कंडीशन मीन्स ये देखो क्रोमोसोम नंबर सीधे डबल हो जाता है। एंडोमाइटोसिस मतलब प्रोफेज में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं हो पाता है और वो डबल हो जाता है। तो एवरी यहाँ पे एक सेल को हमने दिखाया, हर एक सेल में एंडोमाइटोसिस होता है और वो पॉलीप्लॉइड हो जाता है। फिर से अपन देखेंगे फंक्शन, फंक्शन किसका? टेप्टम का। देखो पहला टेप्टम का फंक्शन होता है कि वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू मेगा स्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल मतलब जो पोलन को बनाती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब जो माइक्रोस्पोर को बनाती है, तो एज द नेम इटसेल्फ टेल्स ये क्या है, आप समझ सकते हैं। फिर से सेकेंड फंक्शन हम लोग देखेंगे, एंजाइम सिक्रीट करती है और कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। एंजाइम का नाम है कैलेज इंजाइम, क्या? कैलेज इंजाइम। और हार्मोन जो होता है IAA, आपने पढ़ा होगा इसे फोटोसिंथेसिस में, जैसे इंडोल एसिटाइल एसिटिक एसिड कहते हैं, ठीक है। फर्दर अब स्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब थोड़ा सा उसके पार्ट अपन देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में फॉर्मेशन ऑफ ए माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोर फ्रॉम ए माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो मान लीजिए स्पोरोजेनस टिश्यू है, स्पोरोजेनस टिश्यू आपको पोजिशन मालूम करना, तो इस पोजिशन माइक्रोस्पोर स्पोरोजेनस टिश्यू की यहाँ होती है, माइक्रोस्पोर के, ये माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसके अंदर ये माइक्रोस्पोर्स है, ये यहीं पे होती हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, जिससे PMC मतलब पोलन मदर सेल बनती है और MMC बनता है। अब मान लीजिए अपन यहाँ से एक सेल उठाते हैं और यहाँ रख देते हैं, फिर यहाँ इसको अपन एक सेल स्पोरोजिनस टिश्यू कहेंगे, इसकी प्लॉइडी पहले 2N होगी, फिर इसको कैलोज लेयर सराउंड कर लेगा। अब कैलोज लेयर का सराउंड करने का रीजन ये है कि अब पॉलन ग्रेन बनाना है, अलग अलग सेल रहने चाहिए, और वो एंडो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से जुड़े रहते हैं, तो उनको अलग करने के लिए अपन को कैलोज वॉल लेयर बनानी पड़ती है, कि ताकि प्लांट में आपने पढ़ा होगा प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पे दो सेल हैं, दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन प्लाज्मोडेस्मेटा होता है, तो इसे डिजोल्व, अब हमें सेपरेट करना है सेल को, क्योंकि अब इसे पॉलन ग्रेन में हमें इसे बनाना है, तो उसको सेपरेट करने के लिए कैलोज की वॉल बन जाती है। अब इसमें मियोसिस होता है तो चार बन जाती हैं सेल, ये कैलोस के लिए है। अब इंटरनली भी इसमें कैलोस का डिपोजिशन हो जाता है, तो यह है तो एक सेल, लेकिन इंटरनली इट इज डिवाइडेड इंटू फोर सेल। ओके, तो अब फर्दर ये चार सेल सेपरेट हो जाती हैं, ये एक सेल, ये दो सेल, ये तीन सेल, ये चार सेल, ये अब चार अलग अलग सेल हो गई, ठीक है।
ये चार अलग अलग सेल हो गई, इसकी प्लॉइडी एन होगी, इसकी प्लॉइडी एन होगी। ये क्या है, मेगास्पोर मदर सेल स्पोरोजिनस टिश्यू से बनी, मेगास्पोर मदर सेल और पोलन मदर सेल, यहाँ से बना माइक्रोस्पोर टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड से फोर माइक्रोस्पोर बने। अगला फंक्शन होता है तीसरा अपन देखे तो, इट्स सीक्रेट द स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन आपने पढ़ा होगा, इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन द अर्थ। एनी एंजाइम, कोई एंजाइम, कोई ऐसी चीज अभी नहीं बनी है जो इस स्पोरोपोलिनिन को डिसॉल्व कर सकते। ये मिलती है जैसे पोलन ग्रेन है तो इस यहाँ मिलती है, ये एक्जाइन में, एक्जाइन पार्ट होता है, इसे एंटाइन पार्ट कहते हैं, ये एक्जाइन में मिलती है। प्रोयूबिस बॉडी वही एक्जाइन को, स्पोरोपोलिनिन प्लस प्रोयूबिस बॉडी दोनों मिलके एक्जाइन को बना देती हैं। ये एंटाइन है, ये पोलन ग्रेन है, इसके न्यूक्लियस इसके अंदर होते हैं। इसे उसका अगला फंक्शन होता है जिसकी अभी मैंने बात करी, प्रोयूबिस बॉडी प्लस स्पोरोपोलिनिन दोनों मिलके एक्जाइन बना देते हैं, ठीक है। एक्जाइन, प्रोयूबिस बॉडी प्लस स्पोरोपोलिनिन एक्जाइन दोनों मिलके यूबिस बॉडी, अपन अब पहले यहां पे बोलेंगे यूबिस बॉडी। जब बहुत सारी यूबिस बॉडी, करोड़ों की करोड़ों, मिलियंस ऑफ यूबिस बॉडी व्हेन कंबाइन दे फॉर्म द एक्जाइन। मतलब एक्जाइन क्या है, कलेक्शन ऑफ द यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन और प्रोयूबिस बॉडी से, ठीक है। इसका नेक्स्ट फंक्शन होता है सिक्रीशन ऑफ पोलन किट। पोलन किट का सिक्रीशन करते हैं, पोलन किट वो होता है जैसे कि ये क्या है, पोलन ग्रेन है। अब एक ऑयली लेयर यहाँ पे सिक्रीट हो जाती है, ऑयली लेयर को ही अपन पोलन किट कहते हैं। ये ऑयली लेयर है, ऑयली लेयर यहाँ पे क्या काम करती है, प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज। इससे पहले आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक्जाइन भी प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से, अगर जो नीट में आता है यूवी रेज से प्रोटेक्ट कौन करता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपन देंगे एक्जाइन, सेकंड प्रायोरिटी अगर जो ऑप्शन में रहता है तो अपन देंगे पोलन किट। ओके, सो थैंक यू, दैट्स इनफ फॉर टुडे।